हाय एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है बैड सिस्टर, जो आई थी 2015 में। इस मूवी की कहानी में एक साइको टीचर को अपने स्टूडेंट से प्यार हो जाता है और आगे क्या क्या घटित होता है ये सब इसमें दिखाया गया है। मूवी के शुरुआत में हमें जैसन दिखाई देता है जिसे म्यूजिक का बहुत शौक होता है और वो अपनी म्यूजिक वीडियो को सोशल मीडिया में डाल देता है, जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया में बहुत फेमस होता है। फिर हमें एक लड़की दिखाई देती है जो एक नन का मर्डर करके खुद उसके कपड़े पहन रही होती है। फिर जैसन और जोई जो उसकी सिस्टर है वो एक स्कूल जाते हैं क्योंकि उनका वेकेशन ख़त्म हो चुका है। जैसन और जोई एक कैथोलिक स्कूल में पढ़ते हैं। दोस्तों, कैथोलिक स्कूल वो होता है जहाँ पर फादर, नन ये सब होते हैं। इस कैथोलिक स्कूल की प्रिंसिपल रेबेका होती है। फिर रेबेका एक नई टीचर से मिलती है जिसका आज ही स्कूल में ट्रांसफ़र होता है। वो नई नन अपना नाम सोफिया बताती है। फिर रेबेका सोफिया को पूरा स्कूल दिखाती है और यहीं वो उस जैसन से मिलती है। तब जैसन को पता चलता है कि सोफिया ही उसकी क्लास टीचर होने वाली है। इसके बाद रेबेका सोफिया को उसके रूम में छोड़ देती है। फिर सोफिया अपना लैपटॉप में जैसन का म्यूज़िक वीडियो देखते हुए अपने लैपटॉप को किस करती है। इससे हमें पता चलता है कि सोफिया जैसन को पहले से जानती है और वो इस स्कूल में किसी मकसद से आई है। अगले दिन सोफिया जैसन की क्लास में जाती है और वो जैसन को सारा नाम की लड़की से बात करते हुए देखती है। ये देखकर सोफिया बहुत जेलस होती है और वो सारा की जगह चेंज कर देती है। नन होने के बावजूद सोफिया को मॉर्निंग प्रेयर नहीं आती थी, इसलिए सोफिया जोई को मॉर्निंग प्रेयर करने को कहती है और ये सब देख के जोई को भी थोड़ा शक होता है। फिर एक दिन सारा और जैसन किस कर रहे होते हैं तो सोफिया उसे दूर से देख लेती है। सोफिया बहुत जेलस फील करती है। सोफिया सारा के पास जाती है और उसे जैसन से दूर रहने के लिए धमकी देती है। इसके बाद सोफिया जैसन को शाम को क्लास ख़त्म होने के बाद अपने रूम में इनवाइट करती है और वो जानबूझ के अपना दरवाज़ा खुला छोड़ देती है और फिर वो कपड़े बदलने लगती है। और फिर जैसन वहाँ आता है और वो सोफिया को कपड़े बदलते हुए देखता है। असल में सोफिया ने ये जानबूझ के किया होता है जिसमें वो जैसन को अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ। ये सब देखते हुए जैसन वहाँ से चला जाता है और जैसन को जाते हुए देखते हुए सोफिया बहुत मुस्करा रही होती है क्योंकि उसका प्लान काम कर जाता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे वीकेंड होता है और सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने आए हुए रहते हैं। तभी सोफिया सारा और जैसन को बात करते हुए देखती है और जिससे वो बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है। फिर सोफिया रेबेका से कहती है कि उसकी अन की तबीयत बहुत ख़राब है और उसे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए और रेबेका सोफिया को छुट्टी दे देती है। घर पहुंचकर जैसन अपने पेरेंट्स से बोलता है कि वो ड्रॉप लेना चाहता है जिसमें वो अपनी म्यूज़िक में फोकस कर सके। इस बात के लिए उसकी माँ उसको सपोर्ट करती है पर उसके फादर उस पर बहुत गुस्सा होते हैं। फिर जैसन स्विमिंग पूल के पास बैठकर गाना गा रहा होता है और सोफिया उसे चुपके से देख रही होती है। तो तभी सारा का फ़ोन जैसन को आता है और वो उससे बात कर रहा होता है और ये सब देख के सोफिया को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और इसलिए वो चुपके से सारा के रूम में जाती है और उसकी बुक के बीच में ड्रग्स रखकर चुपके से बाहर आ जाती है। अगले दिन सोफिया सभी के बैग चेक कर रही होती है तो सारा के बैग से ड्रग्स निकलता है क्योंकि स्कूल में ड्रग्स लाना अलाउड नहीं है, इसलिए सारा को कुछ दिन के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर इसके बाद सारे स्कूल की तलाशी होती है। फिर जैसन के रूम से भी शराब की बोतल मिलती है और फिर जब जैसन को पनिशमेंट देने की बारी होती है तो सोफिया बाकी फादर और नन से बात करके जैसन को छोटी सी सज़ा दिलवाती है और उसे इस वीकेंड में पूरे हॉस्टल की सफाई करने को बोलती है जिसमें वो वहीं रह सके। असल में सोफिया ने ही उसके कमरे में शराब की बोतल रखी थी जिसमें वो इस वीकेंड अपने घर न जा सके। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है जिससे हमें पता चलता है कि कैसे सोफिया जैसन के प्यार में पड़ी। दरअसल सोफिया ने जैसन का एक म्यूज़िक वीडियो सोशल मीडिया में देखा था जिसे देखकर उसे पहली नज़र में ही जैसन से प्यार हो गया था। फिर सोफिया जैसन के बारे में पूरी रिसर्च करती है तो उसे पता चलता है कि उसके स्कूल में किसी सोफिया नाम की टीचर को अपॉइंट किया गया है। फिर वो उस टीचर से मिलती है और उसे जान से मार देती है और ख़ुद सोफिया बन के स्कूल आती है। इससे हमें यह पता चलता है कि इसका असली नाम सोफिया नहीं होता। अब वीकेंड का समय आ चुका होता है जहाँ जैसन और जोई स्कूल में ही रुक के स्कूल की सफाई करते हैं। इसी सफाई के दौरान सोफिया भी जैसन की बहुत हेल्प करती है और उसके करीब आके उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। उसी रात जब जैसन अपने कमरे में सो रहा होता है तो सोफिया उसके कमरे में आती है और अपना फ़ोन का रिकॉर्डिंग ऑन करके उसे सेड्यूस करने लगती है। फिर सोफिया अपने पूरे कपड़े उतार देती है और जैसन को किस करने लगती है। पहले तो जैसन यह सब मना करता है लेकिन सोफिया के बहुत सेड्यूस करने पर वो भी उसके साथ इंटीमेट होता है। अगली सुबह हम जैसन को देखते हैं कि वो ये सब होने पे बहुत गिल्टी फील कर रहा है क्योंकि वो एक नन के साथ इंटीमेट हुआ होता है। फिर जब जैसन अपने कमरे में नहीं होता तो सोफिया उसके कमरे में आती है और उसके कपड़ों को सूंघने लगती है। तभी जोई वहाँ आती है और ये सब करते हुए उसे देख लेती है।
सोफिया जोई को बुरी तरह डांटकर वहां से भगा देती है, पर जोई ये सब जैसन को बताती है कि किस तरह से वो नन तुम्हारे कपड़े सूंघ रही थी। इस कारण से सोफिया जोई पर गुस्सा हो जाती है और वो टेस्ट में उसे बहुत कम नंबर देती है। जोई के लिए ये सब बहुत अजीब होता है क्योंकि वो उस क्लास की सबसे होनहार और तेज स्टूडेंट थी। जोई दोबारा टेस्ट देने के लिए क्लास में आती है, वो देखती है कि टेस्ट पेपर डेस्क पर ही रखे हुए हैं। तभी सोफिया क्लास में आती है और जोई को वो टेस्ट पेपर देखते हुए देख लेती है। एक्चुअली में ये सब जो हो रहा था ये सब सोफिया का ही प्लान था। उसने जानबूझ के टेस्ट पेपर डेस्क पर रखा कि वो ऐसा करे और जोई उसे देख ले। फिर सोफिया जोई को लेके प्रिंसिपल रेबेका के पास जाती है और उसकी कंप्लेंट करती है। रेबेका को पता था जोई एक अच्छी स्टूडेंट है, इसलिए वो उसे सस्पेंड नहीं करती। दूसरी तरफ हम जैसन को देखते हैं जो अपनी गलतियों के लिए बहुत गिल्टी फील कर रहा होता है, इसलिए वो चर्च में जाके कन्फेशन रूम में जाके कन्फेशन करता है। पर कन्फेशन रूम में सोफिया आके उसे पकड़ लेती है और फिर दोनों फिर वहाँ पर भी इंटीमेट होते हैं। कुछ दिन बाद सारा अपने घर में पार्टी रखती है और जैसन को भी वहाँ इन्वाइट करती है और सोफिया भी जैसन के पीछे पीछे उस पार्टी में आ जाती है। पार्टी के दौरान सारा जैसन को किस करने की कोशिश करती है और जैसन को याद आता है कि वो किस तरह से सोफिया को किस कर रहा था, वो उसी को याद करता रहता है। फिर जैसन सारा को बीच में छोड़ के ही चला जाता है। फिर वो पार्टी से बाहर निकल आता है। जब वो पार्टी से बाहर निकलता है तो उसके हाथ में शराब की बोतल होती है और ये सब करते हुए उसे एक पुलिस वाला पकड़ लेता है। फिर तभी वहाँ पे सोफिया आ जाती है और वो सिचुएशन को संभाल लेती है और वो जैसन को लेके एक होटल में जाती है। सोफिया फिर से इंटीमेट होने की कोशिश करती है जैसन के साथ, पर जैसन उससे कहता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है। सोफिया कहती है मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहना चाहती हूँ और मेरे पास बहुत पैसा भी है। ये सब सुन के जैसन को बहुत अजीब लगता है और उसे वहीं छोड़ के वो बाहर चले जाता है। फिर जैसन रोड के किनारे बैठा होता है और उससे मिलने के लिए उसके फादर उसके पास आते हैं और उसके फादर उसके म्यूज़िक करियर के लिए सपोर्ट करते हैं और उसे ड्रॉप लेने के लिए परमिशन दे देते हैं। ये सुनकर जैसन बहुत खुश होता है। फिर दोनों घर आ जाते हैं। फिर अगले दिन वीकेंड ख़त्म होने की वजह से वो लोग स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और सोफिया भी जैसन के घर के बाहर खड़ी रहती है और उसकी हालत बहुत ख़राब रहती है। सोफिया को जैसन की कही बातों का बहुत बुरा लगता है और फिर वो वहाँ से जाती है, जिसे जाते हुए जोई उसे देख लेती है। ये सब देखकर जोई को बहुत शक होता है और वो फिर सोफिया की कार का नंबर नोट कर लेती है और फिर वो जब इंक्वायरी करती है तो उसे पता चलता है ये कार सोफिया के नाम पर ही रजिस्टर है। दरअसल ये गाड़ी असली सोनिया की ही होती है, जिसे नकली सोनिया मारकर ये गाड़ी उसे ले लेती है। फिर जैसन अपने रूम में देखता है कि उसके बेड के ऊपर सोफिया पड़ी हुई है और उसके आसपास बहुत सारी टैबलेट्स पड़ी हुई है। फिर जैसन बहुत घबरा जाता है, उसे ऐसा लगता है कि पिछली रात का बुरा मानकर सोफिया ने सुसाइड कर लिया है और फिर वो पैनिक होकर सोफिया को जगाने की कोशिश करता है। तभी सोफिया उसे किस करने लगती है और हमें पता चलता है ये सब सोफिया का एक प्रैंक था, वो मजाक कर रही थी जैसन को डराने के लिए। फिर जैसन को सोफिया के ऊपर गुस्सा आता है और वो उसे कहता है कि वो कंप्लेन करेगा। इतना सुनते ही सोफिया कहती है अगर तुम ऐसा करोगे तो सबको पता चल जाएगा कि नन और स्टूडेंट के बीच में अफेयर था। ये बात सुनकर जैसन भी बहुत घबरा जाता है क्योंकि अगर उसने कंप्लेन की तो उसकी इमेज भी ख़राब हो जाएगी। फिर सोफिया उसके रूम से निकल जाती है और जैसन को जोई का फ़ोन आता है। जोई उससे सोफिया के बारे में पूछती है, जिस पर जैसन उसे कहता है कि वो उसे बाद में सब कुछ बता देगा। फिर क्लास में मॉर्निंग प्रेयर के टाइम पे रिबेका सारा को लेके क्लास पर आती है क्योंकि उसकी उसने गलती माफ़ कर दी होती है। रिबेका ये भी नोटिस करती है कि सोफिया को मॉर्निंग प्रेयर नहीं आती क्योंकि अब सारा क्लास में आ चुकी है, इसलिए सोफिया जैसन को धमकी देती है कि वो सारा से दूर रहे, लेकिन जैसन सोफिया की बात मानने से मना कर देता है। इस बात से सोफिया को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर उसी रात जब सारा बाथरूम में नहा रही होती है तो सोफिया उसके बाथरूम में जाके उसका सर दीवार से मार मार के उसकी जान ले लेती है। उसके बाद वो साबुन को वहाँ रखती है जिससे सबको लगे कि वो एक एक्सीडेंट था। इसके बाद जब जोई को सारा की लाश मिलती है तो वो सबको बताती है। इसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है और सभी को यही लगता है कि सारा का मरना एक एक्सीडेंट था। लेकिन जोई और जैसन को सोफिया पर शक हो रहा होता है, इसलिए जैसन सोफिया के पास जाता है और उससे ये सब के बारे में पूछता है, लेकिन सोफिया इन सब के लिए इनकार देती है और वो जैसन को अपनी और जैसन की MMS दिखा के ब्लैकमेल करती है। इसके बाद हम देखते हैं वीकेंड आता है और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। सोफिया रेबेका से कहती है कि उसकी आंटी की डेथ हो गई है और उसे सिर्फ फ्यूनरल में जाना होगा और ये सब सुनते ही रेबेका उसे जाने की परमिशन दे देती है। उसी रात जैसन अपनी फैमिली के साथ एक होटल में डिनर कर रहा होता है, तभी वहाँ सोफिया आती है और उन्हें ज्वाइन करती है। ये सब जैसन को अच्छा नहीं लगता और जोई भी अपना शक दूर करने के लिए बहुत सारे सोफिया से सवाल करती है और सोफिया उसे जवाब नहीं दे पाती, जिससे जैसन और जोई का शक और गहरा हो जाता है। इधर प्रिंसिपल रेबेका सोफिया की आंटी की फ्यूनरल पर फूल भेजना चाहती थी, इसलिए रेबेका हॉस्पिटल में फ़ोन करती है। फ़ोन करते ही उसे पता चलता है इतने दिन से सोफिया उससे झूठ बोल रही है।
इधर जोई के बार बार पूछने पर जैसन उसे अपने और सोफिया के अफेयर के बारे में सब कुछ बता देता है और फिर दोनों को ये शक होता है कि असली सोफिया नहीं है। तभी जैसन को याद होता है कि उसने सोफिया के कमरे में एक लैपटॉप देखा था। अगले दिन जब सोफिया और रेबेका बात कर रहे होते तब जैसन और जोई सोफिया के कमरे में जाते हैं जहां उन्हें उसका सोफिया का एक लैपटॉप मिलता है। उस लैपटॉप के अंदर असली वाली सोफिया की बहुत सारी फ़ोटोज़ मिलती है, मतलब ये होता है कि ये लैपटॉप असली वाली सोफिया का ही है। और वहीं पर उन्हें एक और लैपटॉप मिलता है जिसे खोलने में उन्हें पता चलता है कि ये लैपटॉप नकली वाली सोफिया का है जिसमें जैसन की बहुत सारी पिक होती है, और उन्हें पता चलता है कि नकली सोफिया का नाम लॉरा है। फिर दोनों ये लैपटॉप लेके प्रिंसिपल रेबेका के पास जाते हैं जिससे नकली वाली सोफिया यानी लॉरा के खिलाफ कुछ एक्शन लिया जा सके। दूसरी ओर रेबेका उसके झूठ के बारे में पकड़ लेती है और सोफिया अपने झूठ को छुपाने की बहुत कोशिश करती है पर छुपा नहीं पाती। फिर नकली सोफिया रेबेका को लैंप से मारकर उसे वहीं बेहोश कर देती है। जैसन और जोई रेबेका को ढूंढते हुए चर्च आते हैं और वहां पर नकली वाली सोफिया भी आती है। नकली सोफिया को पता चलता है कि जोई और जैसन को उसकी सच्चाई का पता चल गया है और इसीलिए नकली वाली सोफिया जोई पर अटक कर देती है। तभी रेबेका भी वहां आकर सोफिया के साथ लड़ने लगती है। सोफिया रेबेका को मारने ही वाली होती है कि तभी जैसन एक स्क्रू ड्राइवर लेकर सोफिया को ही मार देता है जिससे सोफिया की वहीं मौत हो जाती है और यहीं पर सीन कट होता है। और अगले ही सीन में जैसन और जोई को हमें ग्रेजुएट होते हुए दिखाया देता है जिससे उसके फादर जोई को ग्रेजुएट होने की खुशी में एक कार गिफ्ट करते हैं और जैसन को एक गिटार गिफ्ट करते हैं और यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।